राजस्थान के लोग गरीबी में जीते हैं, जाग देखना वहाँ वीरान है। हम लोग 3-4 दिन तक थे मार्बल खरीदने के दौरान, वीरान है पूरा, मतलब खेत खार नहीं दिखेगा आपको। लेकिन उन लोगों में जो क्वालिटी है ना सर, बकरी चराते हैं, बकरी उधर रेगिस्तान जयपुर के आगे तो बकरी चराते हैं। लेकिन जब वो लोग रोटी बनाते हैं ना, पनपुरवा रोटी बोलते हैं हम लोग इधर, पान रोटी बोलते हैं इधर, ऐसा रोटी थोपते हैं वो लोग, मक्के की रोटी, मक्का का कुछ रहता है ज्वार वगैरह का, उसको थोपते हैं वो लोग। सेम पनपुरवा रोटी मान लो हमारा मोटा रहता है, वो पतला रहता है। जैसे घर में 5 सदस्य है तो छोटे पतला पतला 5 पीस बनाएंगे वो लोग, लेकिन उसको बिना घी लगाए नहीं खाते, स्टैंडर्डता है खाने में। और हमारे तरह कसम खुदा की दाल के साथ चिकना खाया जाता है, ये मैं नानगांव में आके सीखा हूँ। मेरे को नहीं मालूम था दाल के साथ भी और सब्जी खाया जाता है। हम 18 साल तक अपने गांव में जब भी घर में दाल बनी है तो उसके साथ और कुछ नहीं खाए, सादा दाल के साथ खाते हैं। और आज दाल के साथ अगर दूसरा सब्जी नहीं मिला तो खाना नहीं हो पाएगा आज हमारा। कितना अंतर है गाँव और शहर में उसको देख लो आप। तुम्हारे घरों में बड़े आदमी हो तुम लोग न्यूयॉर्क में पैदा हुए तो तुम लोग को दर्द नहीं पता। पर मैं जब तक सलाद को मैं यही सीखा हूँ, सलाद क्या होता है। पहली बार टमाटर प्याज अगला वाला चिकन सब्जी दिन काटा था तो मैं बोला कच्चा कच्चा खाते हो तुमन ते खा के देख, जब खा के देखा था आधा मेरा सलाद पहले रहता है तब खाना बाद में रहता है। यानी हम गांव में पैदा हुए ना सर, तुरंत ख़त्म कर दो सर, 1 मिनट काम का नहीं है। गाँव में जितने लोग जिंदा हैं इसको तुरंत पेड़ दो पोखलेन में, कोई काम का नहीं है। क्यों बताऊं? क्योंकि आपके इसी संघर्ष करने में उम्र निकल जाएगा तो IAS कब बनोगे, कलेक्टर कब बनोगे, SP कब बनोगे। हमको तो इसी चीज़ को सीखने में दिन गुजर गई, बेस कब क्लियर होगा। फिर सोचिए ना, दाल से चिकन में आने में, सलाद आने में मेरी उम्र गुजर गई तो IAS कहाँ से बनूंगा मैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये आधे लोग को समझ नहीं आती। आपकी सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनना, जूता पहनना, अच्छा घड़ी पहनने में ही निकल गई समय। गांव में कथरी होता है, फेंकना है, यहाँ बेडशीट होता है, इतने के एनालिसिस करने में मेरी उम्र निकल गई तो मैं पढ़ूंगा कब, सोचो आप। ये है तो गांव में जितने पैदा हो रहे हैं, या तो वो माँ बाप सिखा दे सही सिस्टम से जीना सीख जाओ, अन्यथा कुछ नहीं। आज तक 35-40 हज़ार लोग कलेक्टर बने, उसमें 24 लोग हिंदी मीडियम से अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं लोग IAS का तैयारी करके। कल्पना करके देखिए ना सर, 30-35 हज़ार आपका कलेक्टर होगा 70-75 साल में, उसमें 24 लोग हिंदी मीडियम से है। तो तुम लोग जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब लग रहे थे गाँव में, इंग्लिश के मीडियम 70 साल से क्यों नहीं लगा भाई? वो बच्चा कलेक्टर का तो इच्छा करेगा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से आया हूँ, तो मैं भी तो IAS का कल्पना कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ। तो गाँव में कलेक्टर बनने वाला तो स्कूल ही नहीं है, तुम कलेक्टर में फॉर्म भरते हो अपने ऐसे तैसे कराने के लिए, सोचो ना 2 मिनट के लिए। 24 लोग लगे अभी तक हिंदी मीडियम से, तो गाँव में हिंदी मीडियम क्या कर रहा है? आग लगा उसको, गाँव का एक आदमी नहीं बोलता इसको, मैं बस बोलता हूँ पूरे जिला में। वो गांव में स्कूल है उसको आग लगा दो आज जाके, कोई काम का नहीं है वो। अगर आपको लग रहा है वो वेस्ट है तो कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि UPSC में 24 लोग लगे हैं यहाँ तक 70 साल में। विकास दिव्य कृति सर को पूछ लो, दृष्टि IAS वाले, क्या मतलब तुम्हारे हिंदी मीडियम से पढ़ने से? नौकरी करेबा, गुलामी करेबा, कलेक्टर के पीछे पीछे घूमेबा, कुकुर बा ओकरे बा नौकरी करेबा? हम हिंदी मीडियम में पढ़बो, हम नहीं बनेंगे मालिक कलेक्टर? ये यहाँ सुनने को मिलता है, गांव में नहीं मिले, समझ आ रहा है ना? तो भकरी के साथ रहोगे जीवन भर में करोगे, शेर के साथ रहोगे तो दहाड़ोगे। तो सीखो और अपने घर में जाकर सिखाओ। इतने सी स्कूल को आग लगा, ये कोई काम का नहीं है। हिंदी मीडियम का कोई मांगी नहीं भारत में, और अभी से नहीं 75 साल से 30-35 हज़ार लोग इंग्लिश मीडियम के कलेक्टर हैं, IPS IAS, और 24 लोग हिंदी मीडियम से, कौन करेगा तैयारी जी? क्या मतलब हमको पढ़ाए तुम लोग? ये सरकार की खामियाँ हैं। अगर यदि मुझे उर्दू में पढ़ाया होते बचपन में, उर्दू में पढ़ता, मुझे बचपन में हिंदी में पढ़ाया तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, फॉरेनर में पढ़ाते मेरे को तो फॉरेनर, समझ आ रहा है? इस रे भाग के आने के बाद मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तकलीफ है सर यहाँ।